एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। वॉच वहाँ पे लगी हुई है बट दिख नहीं रही है। तो मौसम की बात करूँ तो 3 दिन की लगातार दिन रात की बारिश के बाद कल को भी बादल छाए हुए थे और हल्की फुल्की धूप निकल रही थी, लेकिन आज देखिए अच्छी खासी खिलखिलाती हुई धूप निकली हुई है। और कपड़े वगैरह मेरे धुलने हैं, लेकिन बिस्तर वगैरह मैंने डाल दिए हैं। और अभी खाना बना रही हूँ मैं, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और पगदीप चले गए हैं शॉप पे। मैंने कहा आप जल्दी चले जाओ, मैं खाना बना के कुछ लेट आ जाऊँगी, क्योंकि उनका काम थोड़ा जल्दी से स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस वजह से मैंने उनसे कहा आप चले जाओ, फोटो वगैरह क्लिक कराने वाले सुबह आ जाते हैं यहाँ पर, कंपनी जाने वाले। इस वजह से मैंने कहा आप चले जाओ, मेरा कपड़ों का काम है, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊँगी। तो मैं खाना बना रही हूँ और मुझे ऑर्डर मिला है खाना बनाने का। मैंने कहा क्या बनाऊँ, पर जब ऑर्डर मिला है ये बनाऊँ राया का साग। तो आज बनाने वाली हूँ मैं राया का साग। वैसे भी आलू की सब्जी बनती, तो राया का साग मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मम्मी के ना जो वृद्धा पेंशन है, मम्मी का तो खैर वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन है, तो उनका सत्यापन होना है। तो उसके लिए भी मुझे ढेर सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, कागज़ वगैरह ढूंढने हैं, डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्म भी जेठानी जी के पास से पूछने जाना है शॉप पे। वैसे तो ब्लॉक में मिलता है, लेकिन ब्लॉक जाऊँ फिर आऊँ फिर मम्मी के यहाँ पे अंगूठे लगवाऊँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ जेठानी जी के यहाँ से पूछ लेती हूँ, इसलिए फटाफट से मेरा काम हो जाए और मैं चलूँ फिर अपनी शॉप पे। तो ब्लॉक पे बने रही मेरे। और आज शॉप पे आप लोगों को दूसरा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, तो वेट कीजिए और बने रहिए ब्लॉक के एंड तक। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी शॉप पे और आप लोगों को दिखाऊंगी अपना जो न्यू कलेक्शन है वो कुछ देर के बाद। पहले वेट कर रही हूँ मैं अपनी भतीजी और भैया भाभी का, क्योंकि वो आने वाले हैं नैनीताल से। तो अब देखो घंटा तो होने वाला है, 1 घंटा होने वाला है, फ़ोन किए कि वो लोग काठगोदाम पहुँच चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं हम लोगों का कि वो आएगी। उसके बाद उसको खिलाने विलाने के बाद और उसको लाड प्यार करने के बाद तब कहीं जाके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने जो न्यू है, जो सामान जो भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए कुछ देर और मिलाती हूँ फिर अपनी भतीजे से जब वो आ जाएगी तब। उसके जब तक वो आ रही है, उसके आने से पहले ये देखो दक्ष को दिखाती हूँ मैं। ये सुबह से आ गया था ना मेहनती बच्चा अपने पापा के साथ, तो आज मैंने बनाई है, बताई थी आप लोगों को, खराब लग रही है ये देखो राया का साग है और इसमें राया कम है, आलू आलू ज़्यादा है। राया ना कमी था लेकिन इसको आलू पसंद है, तो इसीलिए मैं हाँ राया का साग और आलू, तो मतलब साग कमी था लेकिन ये खाता भी नहीं है ना साग, तो आलू आलू खाता है, इसीलिए आलू आलू खा रहा है आलू आलू। और ये है छोटे बच्चों के जो आज मैंने लटकाए हैं इधर, छोटे बच्चों के प्लाजो। और ये लोअर है, तो ये लोअर ना इतना अच्छा है, मेरे को स्पेशली बहुत इसलिए पसंद आता है क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं, गर्मियों में तो ये चला ही चला काफ़ी बिका, और अभी ये वाला लोअर ठंड में भी काफ़ी चलने वाला है, क्योंकि ये ना कैसा वाला कपड़ा बता दूँ आप लोग आइए खुद ही देखिए, पर ये मोटा है ना काफ़ी अच्छा है। और ये सेट वाली कुर्तियाँ हैं, मतलब इसके साथ है दुपट्टा और क्या बोलते हैं ट्राउज़र, और ट्राउज़र भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेंथ है उसकी। तो बाकी ये चीज़ें और बाकी आप लोगों को दिखाऊँगी बाद में। और ये पतिदेव क्या कर रहे हैं ये देखो, मेरे पतिदेव क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो मशीन ठीक कर रहे हैं ये यहाँ पे, इन्हें ना कभी ये देखो पूरा मशीन का पुर्जा पुर्जा अलग कर रखा है, ये ना कभी अपनी मशीनों को लेके ही नहीं जाते हैं, जब तक इनके बस में होता है तो ये खुद ही से ठीक करते हैं। और इंक पैड था ना वो ऑनलाइन मंगाया, इंक पैड था ना जो भी था, मैं कितना नहीं आता है, तो वो तो ऑनलाइन मंगाया, तो खुद ही से इसकी सर्विस कर रहे हैं। और बाकी उसमें ना जो ये सीपीयू उसमें खाली हार्ड डिस्क डालना था, इस वजह से इनको देना पड़ा, बाकी इनके सामान इनके पास कुछ होता तो ये खुद ही कर लेते, इतना तो मुझे पता है। तो अभी ये लगे हुए हैं और मैं वेट कर रही हूँ अपनी भतीजी का। क्या क्या कह रहा है, मत खा फिर, मेरे को तो पता है खाता ही कभी ये साग वाग कुछ खाता नहीं, इसलिए ऐसा है दुबला पतला सा। मैं कह रही थी कुछ देर के बाद खा लेना, ना 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 तो मेरी तो तबीयत खराब हुई, इसलिए मैं हो रही हूँ ना डंडे की जैसी। तो इतने दिन देर से वेट कर रही थी, आ गई मेरी गुड़िया, आ गई लड्डू, ये आ गए भैया भैया भाभी और मेरी लड्डू लड्डू। चलो बैठो, इतनी देर से मैं करो आई ना लड्डू। ओ
गई? कहाँ गई? आप लड्डू आ गई, खुश रहे। इधर देख, देख ना बुआ को, देख बुआ की दुकान देख। तो खुशी रहे सब देख के। कब से वेट कर रहे थे इसका, अंधेरा अंधेरा आ नहीं रहा है कुछ। ये देखो भैया, बहुत देर से वेट कर रहा भैया तेरे दादा, परसों से। मेरे पास तो नहीं, मेरे पास तो नहीं। कहाँ गई, कहाँ गई बेटा, कहाँ गई? भूखिया आ गई है, खिला ले। ये देखो हमारी प्रियांगी, क्यों ये आई है अपने पापा के साथ फोटो स्टेट करा रहे है, और अब बुद्धू बन गई। देख इसको खिला लो। हाँ चाचा तो खिला रहे, खिला लो। ये छोटे बच्चों के पास जाती है, खिला लो। बुला जल्दी बुला। ए, 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 ए। चलो भैया हम भी इसको खिला ले, दिखा दिया आप लोगों को, अब बात करते हैं बाद में। मैं लड्डू को खिला लूँ। ये देखो मेरे पास आ रही है ना, छिटको 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 अरे मम्मा इसको पकड़ो, पकड़ो इसको, इस बच्ची को पकड़ो। रहने दे, तेरे पास आ रही है, तेरे पास आ रही है, तेरे पास आ रही ना, कभी एक पास जा रही हूँ भैया। बुआ के घर से रुक के आई भैया के साथ, क्यों मुंडी भी तो ले लेकर भैया। लड्डू छिटकू, कौन सा नाम हो रहे, कौन योविका, योविका वो दिन आया शॉर्ट कुर्ती लेगी वो, तो वो कहकर था रे दैया शॉर्ट कुर्ती लेगी तो ही अच्छी ना दिखा, मैं मुंह लोग खोल के तो बात कर रहा हूं, हम बस पकड़ रहे देख हम लोग तो मार अभी तो देख 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 के तू जा, तुम इतना बदल जाओ। भैया भाभी और मेरे लड्डू के जाने के बाद खूब सैतानी से करने के बाद अब आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे जो मेरे रेडीमेड कपड़े हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ आज शर्ट के कलेक्शन, जो अलग अलग आर्टिकल्स आप लोगों में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऐसे फैला दिए, तो पहले देखिए आप लोग कुछ इस तरह के आर्टिकल्स। ये है कुछ गिने चुने वाले पीस, बाकी तो आप लोग आके देखिए, तो खुद ही डिसाइड कीजिए। जो मुझे समझ में आए मैंने ऐसे निकाल के आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, और आप लोग बताना कि कौन सी वाली आपको ज़्यादा अच्छी लगी। ये सारे पीस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ऑन कैमरा पता नहीं कैसा लग रहा हो पर रियल में ये बहुत अच्छी लगी। ये है ब्लैक, काफ़ी लोगों को ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और ये है जो बॉयज कलेक्शन, जो बॉयज ये पहनते हैं ना, फ्रेश पहनते हैं ना। और बाकी ये है चेक में ग्रीन कलर। और ये देखो एक हमारा ये सुंदर सा पीस, कुछ इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। डार्क ना रेड है ना पर्पल है, रेड लग रहा है ना। मेरी इस कुर्ती वाले स्टैंड पे आज जगह ख़त्म हो गई कुर्तियों के लिए, तो फिर
यहाँ पे मैंने सारे बॉयज़ आर्टिकल लटका रखे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो मेरी बची हुई कुर्तियाँ हैं उनको मैं फोल्ड करके आज के लिए रख लेती हूँ और बाद का फिर बाद में देखेंगे। तो जो ये कुर्तियाँ मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसमें कुछ लॉन्ग कुर्तियाँ जो कि काफ़ी अच्छी हैं और कुछ शॉर्ट कुर्तियाँ भी हैं, तो लॉन्ग और शॉर्ट कुर्तियाँ, बाकी लेगी वगैरह भी है, तो इनको मैं आज के लिए फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो क्या करूँ, अभी जगह कुछ कम पड़ रही है और अभी बाकी थोड़े से स्टैंड और बनाने वाली हूँ, जो कि अलग अलग सारा सामान थोड़ा सा मतलब जो ऐसे लटका के रखती हूँ ना, वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, इसको सैंपल हो जाते हैं ना लटकाने के लिए, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ स्टैंड और बनवा लेती हूँ। लेकिन एक साइड में मेरे पर्स रखे हुए हैं, दूसरे साइड में मैंने कपड़ों को हैंग करने के लिए स्टैंड बना रखा है, दूसरे साइड में मेरी अलमारियाँ रखी हुई हैं, रैक रखे हुए हैं। ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ कुर्ती पिंक कलर की, ये है फुल सूट, मतलब कि पूरा सेट मिलेगा आप लोगों को, इसमें मिलेगा आप लोगों को ट्राउज़र, दुपट्टा, और दुपट्टे का कपड़ा भी इतना अच्छा है, और ट्राउज़र का कपड़ा अच्छा होने के साथ साथ उसमें बहुत अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई हैं। किसी दिन आप लोगों को कुर्ती वाला सेट दिखाऊँगी और काफ़ी सारी वेराइटियाँ हैं। तो आज मेरे इस वाले स्टैंड पर मैंने लगा रखा है सारे के सारे बॉयज़ की शर्ट, ये आर्टिकल ये वाला रहने वाला है, तो मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा था जब मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुर्ती हटा के ये बॉयज़ के आर्टिकल लगाऊं यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे मैंने लोअर वगैरह और ये गर्ल्स के प्लाजो हैं, और बाकी ये ट्राउज़र इतना मस्त है ना कि कुछ पूछो ही मत, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और उधर कुर्ती वगैरह लगा रखी है, तो पर्स वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी मेरे ब्लॉग पे, बोल कह रहे ये ट्राउज़र मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि इस साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये ग्रे कलर का है। और आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, क्योंकि हो चुकी है रात, अंधेरा हो रहा है और हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं शायद यहाँ से, तो आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट रात में। तो यहाँ पर रहता है कुछ इस तरह का माहौल, क्योंकि ये है सिटकुल एरिया, ये है मेन हल्द्वानी वाली रोड, यहाँ से हल्द्वानी जाती हूँ, और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे को सिटकुल पड़ता है, मतलब फैक्ट्रियाँ पड़ती हैं, तो ये है वाली रोड। तो इस टाइम पे ना काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पे। और मेरी शॉप आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुछ इस तरह से दिख रही है यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने कपड़े लटका रखे हैं, और बाकी अंदर को भी दिख रहे होंगे, वाह कितना अच्छा दिख रहा है ना अंदर को स्टैंड में। और पतिदेव आ रहे हैं अंदर को बोतल वगैरह खाली करके पानी की, फिर हम लोग कुछ देर के बाद निकलेंगे ना यहाँ से। यहाँ पे इस टाइम की रौनक देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है, घर जाने का ना मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ देर के लिए और बैठ जाएं। और ये है हमारा बोर्ड जो कि DS स्टूडियो के नाम से है, और ये इतना सारा काम यहाँ पे किया जाता है। तो अभी आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।